हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देश के जाने माने इन्वेस्टर और शेयर मार्केट के बिग बुल राकेश झुंझुनवाला के गुरु राधा कृष्ण दमानी के पोर्टफोलियो के 3 पेनी स्टॉक जिनकी वैल्यू 100 रुपीज से भी कम है, लेकिन बिजनेस में दम है या नहीं वो जानेंगे। आज हम आपको सिर्फ स्टॉक ही नहीं बल्कि ये भी बताएंगे कि राधा कृष्ण दमानी शेयर मार्केट में इतने सफल कैसे हुए और किन किन सेक्टर में हैं बुलिस। तो क्या आप हैं तैयार जानने के लिए एक लर्निंग अर्निंग के बेहतरीन वीडियो को? मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हो और रात के 8:30 के शो से आप कमाते रहें। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाए। टेलीग्राम पर 6th बुक डाल दी गई है आपकी डिमांड पर, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, तो आप उसको जरूर पढ़ें। और जो नए लोग हैं उन्हें पहले की 5 बुक नहीं दिखती है तो टेलीग्राम को स्क्रॉल कर लीजिएगा, सारी बुक दिख जाएगी। और 7th बुक बहुत ही जल्दी मैं डालने वाला हूं, तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सिर्फ उसी से ज्वाइन कीजिएगा। ऐसा मीडिया सोर्स के हिसाब से कहा जाता है कि राधा कृष्ण दमानी वही इंसान है जिनको आपने स्कैम 1992 में मनु मुंद्रा के साथ देखा था। इनके पोर्टफोलियो के बारे में डिस्कस करने से पहले आइए थोड़ा इनकी लाइफ जर्नी को देखते हैं, क्योंकि इनकी शुरुआती जिंदगी में बिल्कुल अलग ही ट्विस्ट थे, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क उम्र के उस स्टेज पर लिया जब नॉर्मल इंसान घर परिवार और अपने कैरियर को लेकर पैनिक में रहता है। मिस्टर दमानी एक मिडिल क्लास मारवाड़ी परिवार से हैं। 12th के बाद पढ़ाई में मन ना लगने से इन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया और अपने पुश्तैनी बिजनेस में लग गए। पुश्तैनी बिजनेस में भी मन ना लगा तो इन्होंने शेयर मार्केट में एंट्री मारी। उस समय स्टॉक मार्केट में 2 गैंग चलती थी, एक में होते थे गुजराती और दूसरी गैंग मारवाड़ियों की, जिसके किंग थे मनु मुंद्रा, जिसके एक इशारे पर कोई भी शेयर जमीन पर छू जाता था। और मारवाड़ी थे, इन्होंने मनु मुंद्रा को ज्वाइन कर लिया था और शेयर शॉर्ट सेलिंग करके खूब पैसा छापे। मारवाड़ियों की गैंग गुजरातियों के गैंग पर बहुत भारी पड़ रही थी, लेकिन अब गेम पलटने वाला था क्योंकि गुजरातियों के गैंग में आ गए थे हर्षद मेहता। मेहता ने कुछ ही सालों में BSC में अपनी धाक जमा ली और बन गए बिग बुल। राधाकृष्ण गैंग की संकट बढ़ने लग गई, इनके लाइफ में टर्न आया ACC सीमेंट के स्टॉक ऑपरेटिंग के बाद। एक तरफ जहां हर्षद मेहता बैंकों से अच्छा खासा फंड लेकर ACC के स्टॉक को ऊपर ले जा रहे थे, वहीं दमानी की गैंग अपनी फुल पावर से स्टॉक को नीचे गिराने में लगी थी, लेकिन फेल हो रही थी क्योंकि हर्षद के पास बहुत कैपिटल थी। ये बाजी जीतने के लिए दमानी के 100x लिवरेज लेकर अपना सब कुछ दाव पर लगा लिया था, लेकिन कहते हैं ना, जब हिम्मत दिखता है तो किस्मत भी उसी का साथ देती है। ये वही टाइम था जब हर्षद मेहता का स्कैम दुनिया के सामने आया, जिससे स्टॉक ACC का गिरने लगा। इसी गिरावट में दमानी ने करोड़ों की संपत्ति झटके में कमाई, ऐसा मीडिया सोर्स में कहा जाता है। लेकिन अब ये समझ चुके थे कि बहुत दिनों तक ऐसे सर्वाइव नहीं हो सकता, और उसी दौरान शुरुआत हुई डीमार्ट की। और आज देश भर में डीमार्ट के 234 स्टोर हैं। दमानी आज देश के 4th रिचेस्ट पर्सन है। आज की डेट में इनकी पोर्टफोलियो में 14 स्टॉक हैं जिनकी वैल्यूएशन 1,76,708 करोड़ है। ये वैल्यूएशन कई देशों के GDP से भी कहीं ज़्यादा है। तो आइए थोड़ा इनके पोर्टफोलियो का एक्सरे करते हैं और देखते हैं कैसे इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड किया है और कौन कौन से स्टॉक होल्ड किए हैं। अगर आपको हमारे कंटेंट से 1% का भी वैल्यू एडिशन मिलता है तो डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जीरोदा, अपस्टॉक, एंजल जिनके साथ भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक से ओपन करें और हमें भी मोटिवेट करें। तो अब यहाँ पर आप चार्ट के हिसाब से देख सकते हैं कि इनके पोर्टफोलियो बहुत अच्छे से डाइवर्सिफाइड है। सबसे ज़्यादा स्टॉक इनके पास रिटेल सेक्टर के हैं, उसके बाद फाइनेंस, पेपर, हॉस्पिटल और मेडिकल सर्विसेज के हैं। सीमेंट, कुरियर, एक्स्ट्रा, पूरी लिस्ट आप चार्ट के साथ देख सकते हैं कि किसी भी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो के लिए आपको ऐसी ही वेल डाइवर्सिफाइड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। पोर्टफोलियो को सही से डाइवर्सिफाइड कैसे करते हैं, इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको वो वीडियो ज़रूर मिल जाएगी। अब आइए नज़र डालते हैं इनके शेयर पर। तो आपके पास इनमें से कौन कौन से शेयर हैं जो इनके पोर्टफोलियो में आपको दिख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
तो जब भी आप किसी बड़े इन्वेस्टर की पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपको एक चीज़ बहुत ही कॉमन दिखेगी, वो ये है कि बिग इन्वेस्टर ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप या मिड कैप वाले ग्रोथ स्टॉक में करते हैं जहाँ से उनको मोटा रिटर्न मिल सके। और दमानी के पोर्टफोलियो में 27 रुपीज़ से लेकर 21,000 रुपीज़ वाले तक के शेयर हैं, लेकिन आपको इनके पोर्टफोलियो में 3 स्टॉक, एक्चुअली पेनी स्टॉक जिसकी हम डिस्कस करने वाले हैं, उनकी कीमत 100 रुपये से कम है वो दिखेगी। और उस लिस्ट में पहला नाम आता है सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड का। यहां पर दमानी की 1.88% की होल्डिंग है जिसकी वैल्यू लगभग 33 करोड़ की है। जी हां, 33 करोड़। ये लगभग 70 साल पुरानी सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है जो 1993 में शुरू हुई और कंपनी का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप में, फिनटेक स्पेस में और ही ऐसे कई तरह की इन्वेस्टमेंट में है। यहाँ पर आप देखिए 1762 करोड़ का मार्केट कैप है, डेट सिर्फ 1.18 करोड़ का है, यानी कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है जो कि एक अच्छा साइन है। कंपनी का करंट प्राइस 79.4 है, जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये उसके अनुसार है। और वहाँ पर अगर आप देखें तो इनका जो स्टॉक पी है वो 77.6 है और इंडस्ट्री पी 25.5 है, यानी कहीं ना कहीं स्टॉक महंगा है। इनका ROCE और ROE देखेंगे तो 1.33 और 1.09 है। सेल ग्रोथ 5 ईयर्स का देखें तो 35.9% का है जो काफ़ी अच्छा है, लेकिन ओवरऑल देखें तो जो ROCE और ROE होना चाहिए था वो ज़्यादा होना चाहिए था, वो कम है। लेकिन अब स्मॉल कैप की कंपनी है, ग्रोथ कर रही है, आगे सुधर सकता है। वहाँ पे इनके फाइनेंशियल की तरफ नज़र डालेंगे तो नेट इनकम लगातार गिर रहा है जो कि एक चिंता का विषय है। टोटल रेवेन्यू भी आप देखें गिरा है, ईबिटा भी गिरा है, ईपीएस भी गिरा है। तो एज पर फाइनेंशियल देखें तो आप इसको कोविड का भी इम्पैक्ट कह सकते हैं, लेकिन 2021 के बाद अगर इसमें सुधार आता है तो डेफिनेटली कंपनी सही है, क्योंकि 2020 से पहले कंपनी ग्रोइंग थी, जहां पे आप 2018 में भी नेट इनकम ऊपर था, 2019 में भी नेट इनकम ऊपर था, इसलिए 2022 इसके लिए डिसाइडिंग होगा। और इसमें सेकंड स्टॉक है हमारा TV18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड, रिलायंस की सब्सिडरी कंपनी। आप लोग ऑलरेडी इससे परिचित हो गए, इसके न्यूज भी देखते हो गए। अभी कंपनी के पास टोटल 14 टीवी चैनल हैं जो 15 लैंग्वेज में 26 राज्यों में ऑपरेट होते हैं। इनकी कुल चैनल पर मंथली 60 मिलियन से अधिक व्यूज़ आते हैं। इनके मेजर चैनल में CNBC TV18, CNBC आवाज़, CNBC TV18 प्राइम HD के अलावा वार्नर मीडिया, CNN न्यूज़ 18 शामिल है। इनके रेवेन्यू मॉडल की बात करें तो एडवर्टाइजमेंट से लगभग 90%, बाकी के 3% फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन और अदर से आते हैं। वहीं पर इनके फाइनेंशियल पर नज़र डालें तो मार्केट कैप 11,306 करोड़ का है, कंपनी पर डेट 773 करोड़ का है, डेट ऑन इक्विटी 0.17, इट मीन्स नॉमिनल डेट है क्योंकि फ्री कैश फ्लो भी 1238 करोड़ का है, यानी फ्री कैश फ्लो अच्छा है। यहाँ पर इंडस्ट्री पी 38.7 है और स्टॉक पी 18.6, यानी स्टॉक सस्ता है। सेल ग्रोथ 5 ईयर्स का 37.2% का है और ROCE और ROE अच्छा है, 14.9 और 11.5% का है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ROCE ROE भी बेहतर है, ठीक ठाक बेहतर मतलब सही है, और PE के हिसाब से सस्ता है, यानी वैल्यूएशन महंगे नहीं है और डेट की भी वो कहानी दिक्कत वाली नहीं है। यहाँ पर नेट इनकम आप देखो तो लगातार इम्प्रूव हो रहा है, टोटल रेवेन्यू लगातार इम्प्रूव होते हुए 2021 में गिरा है, EBITDA लगातार इम्प्रूव हो रहा है, EPS लगातार इम्प्रूव हो रहा है, और TV18 के बारे में लगातार खबर भी ऐसे भी आ रही है कि TV18 इज़ अ गुड स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म, जिसको अगर आप लोग हमें रात के 8:30 बजे के शो में फॉलो करते होगे तो 50 रुपीज़ के ऊपर से लगातार हम लोग भी इस स्टॉक में बुलिश हैं एज पर लॉन्ग टर्म व्यू से। अब हम आते हैं तीसरे स्टॉक को, स्पेंसर रिटेल लिमिटेड। ये 1863 में शुरू हुई थी, कंपनी का नाम है RPSG रिटेल लिमिटेड और ये RP संजीव गोयनका ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी है। इनके स्टोर पर लगभग हर तरीके के FMCG प्रोडक्ट, फूड, पर्सनल केयर, फैशन, होम एसेंशियल्स, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स अवेलेबल है। कंपनी की एक ज़बरदस्त ब्रांड रेपुटेशन है। यहाँ पर कुछ फैक्ट्स देखते हैं, तो फैक्ट्स ये है कि 1920 में ये देश की ग्रॉसरी चेन बनी, 1980 में देश की पहली सुपरमार्केट चेन बनी, 2001 में कंपनी ने देश में पहला हाइपरमार्केट हैदराबाद में ओपन किया, 2008 में ये देश की पहली ओमनी चैनल ग्रॉसरी रिटेलर और अपना ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल लॉन्च किया,
कंपनी खुद के भी कई ब्रांड ओन करती है, जैसे टू बी मी, स्मार्ट चॉइस, डबल टिक, क्लीन होम, हैंडसॉन, नमकीन, बाथ ब्यूटी एंड बेसर, कई सारे। वहाँ पर रेवेन्यू में आए तो फूड से 85.6% और नन फूड यानी वहाँ पर 14.4%। और इंडिया का ही बिजनेस है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो ये इंडिया में फैले हुए हैं, हमारे लखनऊ में भी हैं, आपके शहर में भी होंगे, हेडक्वार्टर कोलकाता है, 191 रिटेल स्टोर हैं, 14 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हैं, 88,000 प्लस स्टॉक कीपिंग यूनिट इनके पास है। इनकी ऑनलाइन प्रेजेंस की बात करें तो 17 शहरों में ऑनलाइन प्रेजेंस है। रीसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो जुलाई 2019 में कंपनी ने इन्होंने नेचर बास्केट को एक्वायर किया और अपने ओमली चैनल को ग्रो करने के लिए उबर और रेपिडो से टाई अप किया ताकि एफएमसीजी प्रोडक्ट की डिलीवरी क्विक और फास्ट कराई जा सके। इन्होंने फ्लिपकार्ट के साथ भी पार्टनरशिप किया। अब यहाँ पर इनके फाइनेंस पे देखें तो 768 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत छोटा सा। वहाँ पर अगर हम ROCE और ROE देखें तो निगेटिव में है, यानी ये बम्पर वाला निगेटिव है, -7.22% और -74.7%। डेट भी देखें तो खतरनाक वाला है, 1082 करोड़। और फ्री कैश फ्लो देखें तो वो भी निगेटिव में है, -25.3 करोड़। यानी कहीं से इस एंगल से कुछ कहानी दमदार नहीं है बल्कि परेशान करने वाली है। वहीं पर इनका नेट इनकम देखोगे लगातार गिर ही नहीं रहा है, लॉस भी बढ़ रहा है, रेवेन्यू गिरा है, इबटा गिरा है, EPS गिरा है, तो उस एंगल से चीज़ें गड़बड़ है। अब यहाँ पर फाइनेंशियल खराब के दो रीज़न, पहला कोविड, जैसा कि आप सब जानते हैं, दो सालों ने कोविड को हिला डाला, लोगों की रिटेल बिजनेस को कमर तोड़ दिया। और वहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग में शिफ्ट तो हुए बट इनका जो ऑनलाइन ऐप है, मैं पर्सनल ही बताऊँ तो बहुत पीछे है, वो दम नहीं है जो होना चाहिए। और ड्यू टू दैट रीज़न लोग इनके ऑनलाइन शॉपिंग में उतना नहीं शॉप करते, जाने पर भी इनके ऐप को यूज़ नहीं करते क्योंकि वो इतना परेशान कर देता है। तो वहाँ पर ये एक चिंता का विषय है। अब आता है मेरा व्यू। मेरे को एक स्टॉक सबसे ज़्यादा इसमें से अच्छा लगता है, जिसको मैंने आपको पहले ही बता दिया, TV18 वाला, जो ऑलरेडी हम किस लेवल से बुलिश हैं और उसमें कई आगे बड़े खबर भी आने वाली है, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है उस स्टॉक में, कि वो स्टॉक हम लोग बिल्कुल अपने नज़र पे रखें, रडार पे रखें और लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो तीन में से एक हमने अपने नज़र में सेलेक्ट किया जो हमने आपको बता दिया। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन, नया तरीका पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए और प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।